भाई इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। यूपी हो चाहे बिहार हो या फिर भारत का कोई भी हिस्सा हो, नागरिकता संशोधन कानून की आग में सभी जल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को हालात बेकाबू हो गए थे, कई पुलिस स्टेशनों को आग के हवाले कर दिया गया था। वहीं योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जनता को इस कानून के खिलाफ गुमराह किया जा रहा है। लखनऊ और संभल में जिस तरह से वाहनों की आगजनी की गई है, जो नुकसान हुआ है उन्हीं उपद्रवियों से योगी सरकार नुकसान का भुगतान उनकी संपत्ति नीलाम करेगी। वहीं उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। उपद्रवी की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की जा रही है। भारत के अंदर आए हुए शरणार्थियों को यहां पर शरण दे करके भारत की सनातन परंपरा को आगे बढ़ाता है, उस कानून के नाम पर गुमराह करके लोगों को हिंसा के लिए प्रेरित करना ये देशद्रोही कृत्य है और इस प्रकार के कृत्य को स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए। इस प्रकार की अराजकतापूर्ण गतिविधियों को किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। लखनऊ में लगभग एक दर्जन वाहन, जिसमें 8 के आस पार्टनों टू व्हीलर हैं और उसके बाद तीन चार जो हैं वो भी बैन हैं और एक रोडवेज की बस है, इसको भी आग लगाने का कृत्य किया गया है। अन्य अगर प्रॉपर्टी, पब्लिक प्रॉपर्टी जहाँ भी डैमेज हुई है, हम इन्हीं उपद्रवियों से इसकी वसूली करेंगे, इनकी संपत्तियों को नीलाम करके इसकी वसूली भी करेंगे। ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।